भोसड़ी वाले कनक तेरी माँ चोट दूंगा भैंस चोट। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। तो भाई, एक कॉन्करर प्लेयर था जिसको गाली दे रहा था एक बंदा प्लेन के अंदर, और इस कॉन्करर प्लेयर ने हमें चैलेंज किया कि आप जॉर्जिया बुलाओ, और हम लोग जॉर्जिया बुला जाते हैं। तभी यहाँ पे गाइस फाइट हो रही होती सामने। भाई इस बंदे को तो मैंने नॉक फिनिश कर दिया, और जो मेरा किल था उसको मेरा किल उसने चुरा लिया, और मैंने उसका किल चुरा लिया। तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा। एंड तभी ये बंदा I got supplies. गाइज ये वही बंदा है जिसने मेरा किल चुराया और मैंने इसका किल चुराया था। और ये मशीन गन से मतलब इस बंदे ने तबाही मचा रखी थी पूरी, मतलब जॉर्जिया पुल के अंदर काफी बंदे इसने मार दिए थे। और अब हम इस पे रश करने वाले हैं। भाई इसके पास शॉर्ट गन थी, अगर पड़ जाती ना दोनों के एक एक तो यहीं पे हमारा मतलब कचुम्बर बन जाता। और हमेशा की तरह जॉर्जिया फुल हम लोगों ने खाली कर दिया, कुछ किल्स मेरे टीममेट ने मारे, कुछ किल्स मैंने लिए। एंड तभी हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे जो कि दूसरा मिर्जापुर है। बेचारे के पास कोई भी चारा नहीं था हमसे मरने के सिवाय, क्योंकि इसने कोशिश पूरी की, अच्छी कोशिश की, इसने लड़ा और मौली की। तभी भाई ये एक बंदा था जो कि कैम कर रहा था यहाँ पे, और बड़ा इनोसेंट सा बंदा था। नहीं पता है वो कौन सा बंदा था। उसको मारने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे देखना कहीं तबाही मचेगी। भाई अगर आपको याद हो तो ये वही कॉन्करर प्लेयर है जिसको मैंने अभी नॉकआउट किया कनफ करके। इसी बंदे ने हमें चैलेंज दिया था और ये रैंक पुश कर रहा था। जिसका प्लेन पे नाम था ये वही बंदा का इस, यार नोटिस करना किल फीड में मैंने अभी जिसको मारा था, कनफ करके नाम है इसका। और इस बंदे ने हमें चैलेंज दिया था जॉर्जिया पुल, लेकिन ये जॉर्जिया पुल नहीं आया, ये कहीं और ही चला गया था, लेकिन अब हमारे हाथों से ये मारा जाएगा। तो गाइस इनकी टीम हो जाती पूरी तरीके से फिनिश, क्योंकि आपने देखा कि ये वही बंदा था जिसका नाम मैंने प्लेन पे आपने जिसने चैलेंज दिया था, और ये उसी बंदे को एक बंदा गाली दे रहा था कनफ करके, इसका नाम था गाइस। आप पीछे आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड इनकी टीम फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक बंदा था जो कि यहाँ पे स्नाइपिंग कर रहा था। नेड़ा है तेरे पैरों पे, चिड़ियों पे नेड़ था। तो भाई अगर आप किसी भी जगह पर रश कर रहे हो घर के ऊपर या कोई कंपाउंड है, तो भाई आपको बहुत ज़रूरी है नेड़ और स्मोक, मतलब मौली का स्मोक का यूज़ करना, तभी सामने वाला बंदा डरेगा आपसे और उसका फ़ायदा आप उठाओगे। और आप यहाँ पे मैं देखना नॉक होने से, नॉक होने के बाद फिनिश होने से बच जाऊँगा, मतलब नॉक नॉक होते हुए बचाऊँ। तो बैड मैक्स उतर क्यों रहा है यार? नॉक है इल वाला मैक्स, किल मार
स्मोक कर रहा हूं तो हील कर, मैं तेरे पे स्मोक कर रहा हूं, मेरे लगाने के लिए पूरा वॉल बना रहा हूं। आजा पूरा स्मोक वॉल है, पेड़ तक आई थी, दे रहा हूं मेडियो सा। आजा पूरा आजा, नाइस मैन। गाड़ी में बैठ, यहां से नहीं मरेंगे, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। हां गाइज, हम लोग भी यहाँ पे फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इस सीजन हम लोग एस मास्टर कर लेंगे कोरिया वर्जन में, और नेक्स्ट सीजन हम लोग रैंक पुश करने वाले हैं इसी में, क्योंकि बीजीएमआई के अंदर गाइज इतने ज्यादा हैकर हैं। नेट डाल, सब कर, एक नॉक चल, इजी बंद मार, अब तू जा फुल नेट वेट, बूम बम कर लो। बाहर से भी आ रहे हैं, ऊपर है, चलो 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 चलो, पीछे आ रहा, उधर सीढ़ियों पे आ गया, ऊपर पे, एक और है भाई, यहाँ पे चल रहा था रिवाइव, किल तुरा किल तुरा, और इनको रिवाइव के टाइम मैंने पूरा तरीके से यहाँ पे 1v4 कर दिया। एंड यहाँ पे जो सामने बंदे हैं ये काफ़ी अच्छा मार रहे थे, इनको इन्होंने ही इसका बंदे डाउन किया था, और ये काफ़ी अच्छा मार रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ से इनके से फाइट लेना मतलब इतना आसान नहीं है, तो हम इन पर एक ऐसा एंगल बनाएंगे जहाँ से हम लोग मतलब इन पर ईजी फाइट ले पाएँ। और भाई मैं बोला था बीजीएमआई में, तो बीजीएमआई में बहुत ज़्यादा हैकर है गाइस, तो अगर आईएस पे आता है अगले सीजन, तो आई होप कि हम लोग भी मतलब इस पे करें रैंक पुश अगले सीजन, अगर नहीं आता है तो हम लोग कोरिया में ही रैंक पुश करेंगे। और कोरिया के अंदर इंडो लॉबी होती है गाइस, और मतलब बंदे इतने हार्ड आते हैं कि आपको मारना मतलब पूछो मत गाइस। तो गाइज यहाँ से मेरे को कोई भी एंगल नहीं मिल रहा था, तो हम बात कर रहे थे भाई इंडो लॉबी की, तो ग्लोबल के अंदर अगर आप केआर खेलो या ग्लोबल खेल लो, जो बंदे खेल रहे ना भाई उनसे पूछो कि मतलब कितनी हार्ड लॉबी आ रही है। उतार देगा मैं एक बनेस क्यों मैं, और बीजीएमआई के अंदर सबसे ज़्यादा हैकर मिले, सब लोग हैकर से परेशान हैं, तो जब तक हैकर भाई नहीं जाते बीजीएमआई में, तो मैं तो चाहूँगा भाई जब तक हैकर चले जाएं तभी गाइस कुछ होगा, वरना भाई जो रैंक पुश कर रहे हैं उनका तो पूछे मत। तो भाई अब देखो इसको कैसे मारेंगे इनकी टीम को, इजी नॉक है, पता नहीं क्या करके नशा करके लेटा हुआ था, ले ले ये रहा ऊपर आता इजी, और मैं मतलब पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि, लेकिन यहां से एंगल नहीं मिल पा रहा था, सारी गोलियां मेरी दीवार में लग रही थी। दूर पे एक नॉक स्टड मार रहा, भाई उसका टीममेट पूरा पूरा कवर दे रहा था, और मेरा टीममेट भी मुझे भी पूरा पूरा कवर दे रहा था, तभी मैं बोलता हूँ कि भाई तू मुझे नेट दे, मैं देख एक नेट में इसको उड़ा दूंगा, तो मेरा टीममेट बोलता हाँ मेरे पास नेट है, और गाइस ये नेट से देखना मार बैठ वाला को, दूर पे भी एक नॉक करा मैंने, मार तू तो गाइस इस नेट से भाई वो समझ आता है कि यहाँ पे नेट आना है, तो तभी भागता है वो, और सबसे बड़ी गलती उसकी वही होती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था मरने के सिवाय, क्योंकि नेट से अगर वो खड़ा रहता तो नेट से मरता। और अगर वो भागता तो गन से मरता। मार मार दूं। तो भाई ये जो बंदा था रिच के अंदर था, मेरा टीममेट बोल रहा था मार दूं, मैंने कहा मार, लेकिन वो रिच के अंदर था, उसको गोलियां नहीं लग रही थी, और इसी टीम में इसी ने हमारे टीममेट को मारा था। तो अब देखो गाइस मार 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 मार, कहाँ जा रहे हो, राइड अच्छी लगी है, और
मतलब भाई मैंने इसको इतनी गोलियां मारी, मरा ही नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था आराम से इसको मार दूंगा, पर ये बंदा मतलब काफी शातिर होता है और इजीली तुरंत उतर के मार देता है। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा टीममेट मार देगा और वो सोचता है कि मैं मार दूंगा, इसीलिए हम इस चक्कर में मारे जाते हैं। तो कभी भी अपने सामने वाले अपोनेंट को कभी भी भाई उसको बिल्कुल ये मत समझा करो कि भाई वो ईजी आप मार दोगे। सारे बंदे अब अच्छा खेल रहे हैं, तभी गाइस यहाँ से मैं फायर आता है पोचिंकी की तरफ जो ये बर्न हाउस है, और अब देखना भाई यहाँ पे क्या होगा। मतलब हम दोनों ही मरने से बचेंगे, अपने ही आप अपने आप को मारने जा रहे थे। मार नीचे आ गया एक बंदा, मर नेड मोली है मेरे पास। चलना एक बंदे पे चढ़ते हैं, तो मेरा टीममेट बोल रहा था एक बंदे पे चढ़ते हैं। मैंने कहा भाई चढ़ने से अच्छा आप हमारे पास जब नेडी नेड और मॉली है तो हम उसका यूज़ करेंगे, ऐसे क्यों चढ़ना किसी पे, क्योंकि अगर वो चाहता तो भाई पूरा पे जाता, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी माइनस हो, और हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई अगले हमारा एस मास्टर हो जाए ताकि हमें अगले सीजन आसानी हो। पर अब यहाँ पर देखो हमने मॉली से अपने आप को ही जला लिया, मतलब मॉली तो हमें पता है कि इतना ज़्यादा फैलने लगी है। चल भाई मैं इस पर इसीलिए रश नहीं कर रहा था क्योंकि अगर बंदा कैम कर रहा है और अगर आपको मतलब आप नॉक हो गए या आप कई बार आप देखो लाइन ऑफ फायर में आ जाते हैं, तो भाई अगर बंदा कैम कर बैठा हुआ है आपको नहीं पता पोजीशन कहाँ पे, तो आप उससे ट्राई करो तो भाई मॉली करो नेड करो ताकि वो अपनी एटलीस्ट पोजीशन दे। तो भाई जो लास्ट बंदा था हमेशा की तरह मैं पैन से ट्राई करता हूँ या फिर हम लोग पिस्टल से ट्राई करते हैं, लेकिन अब इस बंदे को देखो इतना बहुत ही इनोसेंट सा बंदा था, देखो किसको किस तरीके से मारेंगे। यहाँ पे हेडशॉट मार दिया पैन से क्योंकि मुझे पता है लास्ट बंदा ये लास्ट बंदा था और इजी हम लोग 1v2 हम लोग दो बंदे तो हमने इजी मार दिया। एंड ये था हमारा गेम प्ले, एंड यहाँ पे हम लोगों ने पबजी के देवता को प्रसाद चढ़ाया गाइस। अगर आप लोग भी चाहो तो अपने टीममेट्स के साथ प्रसाद चढ़ा सकते हो, कैसे, तो जो ट्रॉफी होती है भाई जिसको भी मिलती है उसके ऊपर सारी लूट चढ़ा दिया करो। तो ये हम लोगों का स्टाइल है नया, तो भाई आप लोग भी अपने टीममेट से बोल सकते हो कि भाई डीमैक्स भाई ने हमें ये सिखाया है, तो भाई आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे आओ और प्रसाद चढ़ाओ। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चढ़ाई और इनसे दुआ करिए कि इस तरीके से हम लोगों को चिकन डिनर दिलाते रहो आगे भी और हमारे किल्स बढ़ाते रहो, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग एस मास्टर हो जाए, तो हमने दुआ करिए। तो ये लोग ये हमसे जो पबजी के देवता है इन्होंने कहा कि तुम्हें एस पबजी जो है मास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे जो टीममेट है उसने फोर इसके हाथ में 6x गिरा दिया पबजी देवता के। तो गाइस बड़ा ही मतलब हम लोग पूरा एंजॉय करके खेलते हैं, इस तरीके से ही आपको हमेशा गेम खेलना चाहिए। एंड आपको अच्छा लगा गेम प्ले तो भाई कमेंट कर दिया करो यार, लाइक से ज़्यादा तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो। एंड जो मेरे पिछले गेम प्ले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखो भाई, यार सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड आने वाले टाइम में हम लोग रॉयल पास की गिव अवे करेंगे, जैसे ही iOS पे पबजी मोबाइल यानी हमारा जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ जाता है तो भाई मैं डेली बेसिस के ऊपर यूसी गिव अवे किया करूंगा, लाइक डेली बेसिस पे ऊपर हम लोग। एंड मेरी जो पबजी कैरेक्टर आईडी पबजी BGMI की वो नीचे आपको मिल जाएगी, तो जाके वहां पे अगर आप लोग पॉपुलरिटी देना चाहते हो तो दो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हर सीजन क्या करूंगा, जिस जो भी बंदा मुझे सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी देगा उसको मैं रॉयल पास गिव अवे किया करूंगा हर सीजन, जिसकी भी सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी रहा करेगी मेरे पॉपुलरिटी के अंदर। जाओ तो भाई देर मत करो, मिलता किसी और नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।